Amta K writes, trembling and pain in left side of body, excessive neck pain too in same side due to cervical spondylitis. Quality of life has reduced. अच्छा मैं आप लोगों को और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, आपको समझ में आएगा. पीपल हु आर स्टिल हियर, सो मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ. व्हेन यू लुक एट ह्यूमैनिटी, आप अपने आपको अगर आप देखते हैं तो हाउ डू यू एक्सपीरियंस लाइफ, जीवन का अनुभव आपको किस चीज से होता है. ऑन फिजिकल लेवल हाउ डू यू एक्सपीरियंस एनीथिंग, बिकॉज ऑफ योर नर्वस सिस्टम. अपने नर्वस सिस्टम की वजह से आपको एक्सपीरियंस होता है. तो नर्वस सिस्टम इस वक्त में लोगों का वीक होता जा रहा है. क्यों? बिकॉज वी आर यूजिंग टू मच ऑफ नर्वस स्टिमुलेंट. नसों को असर डालने वाली चीजों का बहुत इस्तेमाल आज के टाइम पे हो गया है. फॉर एग्जाम्पल, इवन स्मॉल किड्स आर टेकिंग टी. चाय पीते हैं ना, चाय कॉफी बहुत कॉमन हो गया ना, ड्रिंक चाय कॉफी बहुत कॉमन हो गया. Because you have lost strength of experiencing life, आपके जीवन का अनुभव अच्छा नहीं होता तो आप थोड़ी सी घुटी लगाते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है. आप एक सोटा लगाते हैं तो आपको अच्छा लगता है. आप चाय पीते हैं तो फिर आपको अच्छा लगता है. Because आपको अच्छा वैसे नहीं लग रहा, your experience is not good, so you take some kind of a thing to create a good experience. है कि नहीं है? तो इतना dependent हम हो चुके हैं इन सब चीजों के ऊपर कि इसके बगैर हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस ही अच्छा नहीं लगता. सो व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्या बोल रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग ड्रॉप इट. मैं ये नहीं कह रहा कि आप ड्रॉप कर दीजिए. मैं क्या कह रहा हूं, स्ट्रेंथन योर नर्वस सिस्टम. अगर आप उसको कमजोर करने के लिए कुछ कर रहे हैं तो स्ट्रांग करने के लिए भी कुछ कर लो. लाइफ इज अ लग्जरी, यू कैन एंजॉय वॉट एवर यू वॉन्ट, बट ऑलवेज एंश्योर दैट योर एक्सपीरियंस डू नॉट गो डाउन. ये तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो आजकल नसों की प्रॉब्लम जो ज्यादातर आ रही है, इट इज बिकॉज ऑफ न्यूरोस्टिमुलेंट, वन ऑफ द रीजन. केमिकल ऑल्सो आर सम वन ऑफ द अदर न्यूरोस्टिमुलेंट. कोई भी आप केमिकल डालेंगे ना शरीर में तो इट्स अ स्टिमुलेंट और इट पुट्स डाउन द सेंसेशन. या तो वो सेंसेशन को कम कर देगा या तो उसको थोड़ा सा एक्टिवेट कर देता. तो अभी क्या कर सकते हैं, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम is happening. और भी हो, ये हो रहा है. देर आर लाइक lifestyle disease, diabetes, किसी को हो गया तो नसों को तो प्रॉब्लम हो. मेटाबोलिक, एनी काइंड ऑफ मेटाबोलिक डिसऑर्डर, यूल सी द इम्पैक्ट इज ऑन नर्वस सिस्टम. थायराइड, डायबिटीज, द इम्पैक्ट गोज ऑन नर्वस सिस्टम. न्यूरोपैथी हो जाता है ना डायबिटीज के बाद, आपने सुना होगा. इट इज नॉट दैट ओनली डायबिटीज क्रिएट्स न्यूरोपैथी. यू एवरी वन ऑफ us have some kind of liver discrepancy. इसमें लिवर को सबसे ज्यादा नुकसान हमने किया है. क्यों? क्योंकि जैसे ही हम केमिकल डालते हैं ना, सबसे पहला थप्पड़ हम अपने लिवर को मारते हैं. बिकॉज लिवर इज योर गेट कीपर. ये तो आपके शरीर का दूसरा ब्रेन है, दिमाग है. उसको मालूम है वॉट इज योर फूड, वॉट इज नॉट योर फूड. सो वेन एवर यू पुट समथिंग विच इज नॉट योर फूड, इट गेट्स इन टू प्रॉब्लम. तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो हम सभी को किसी ना किसी लेवल पे है ही. नाउ इट क्रिएट्स, इट विल क्रिएट न्यूरो इश्यूज, की वजह से होगा. सो आपको तो इंश्योर करना पड़ेगा कि वॉट एवर, बिकॉज यू कांट रन अवे फ्रॉम द लाइफस्टाइल दैट यू आर लिविंग. उससे भाग नहीं सकते इस वक्त में. थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, मगर क्या है, यू कांट रन अवे फ्रॉम द एनवायरमेंट. वातावरण से तो भाग नहीं सकते ना. हवा तो बदल दिया हमने, पानी बदल दिया, एनवायरमेंट बदल दिया, उससे तो भाग नहीं सकते. तो बचेंगे कैसे, कोरोना से कैसे बचेंगे? दवाई नहीं बचाती. आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर झेलना पड़ेगा, मगर अब समझ में आ जाना चाहिए. ये कोरोना ओमिक्रॉन, इससे कौन बचाएगा आपको? कोई दवाई नहीं बचाएगी. वैक्सीन बचाएगी क्या? वैक्सीन तो कोरोना कराना ही हो गया ना. अरे वैक्सीन कोई दवाई थोड़ी है. आपके अंदर कोरोना ही डाल दिया तो आप झेलो, उसको झेल के ताकतवर हो जाओ. मैं कहता हूं उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप अपने अंदर कुंभक करके ताकतवर हो जाओ तो. आपको कोरोना छुएगा भी नहीं, ओमिक्रॉन छुएगा भी नहीं. सो कौन बचाएगा आपको? आपका शरीर ही बचाएगा. ओनली ह्यूमन बॉडी प्रोटेक्ट इटसेल्फ. कोई और चीज आपको नहीं बचाती है. काढ़ा पी के बचेंगे, बचने की कोशिश करेंगे तो डजंट वर्क. कुछ समय करके देख लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू कम टू दिस, दिस बॉडी इज मैजिक. सपोर्ट योर बॉडी एंड यू विल सी इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनीथिंग. इट क्रिएट्स द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ. ये आपके जीवन का अनुभव को बहुत ऊंचा कर देगा, बहुत अच्छा कर देगा.